भारत के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर और पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी के बीच की लड़ाई किसी से भी छुपी नहीं है। दरअसल 2007 में दोनों के बीच मैच में जोरदार विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों ने कई मौकों पर एक दूसरे को बुरा भला कहा। दरअसल टीवी हो या फिर सोशल मीडिया, गंभीर और अफरीदी के बीच विवाद कहीं नहीं थमा। आपको बता दें कि लीजेंड लीग क्रिकेट 2023 में शुक्रवार को गौतम गंभीर और शाहिद अफरीदी का आमना सामना हुआ। गौतम गंभीर इंडिया महाराजास की कप्तानी कर रहे थे, जबकि शाहिद अफरीदी एशिया लॉयन की कमान संभाल रहे थे। टॉस के समय गंभीर अफरीदी को एक दूसरे से हाथ मिलाना पड़ा, तब माहौल एकदम अजीब बन गया। शाहिद अफरीदी के चेहरे पर मुस्कान दिखी, लेकिन गौतम गंभीर के चेहरे पर कोई भाव नजर नहीं आया। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने मीम्स की बाढ़ डाल दी। आपको बता दें कि गंभीर अफरीदी मामले ने तब और तूल पकड़ ली जब खेल के मैदान में दोनों का आमना सामना हुआ। गौतम गंभीर बल्लेबाजी कर रहे थे, तब अफरीदी गेंदबाजी कर रहे थे। अफरीदी ने गंभीर को 10 गेंद डाली, जिसमें बाएं हाथ के बल्लेबाज ने एक चौके सहित 10 रन बनाए। एक घटना ये भी हुई कि रज्जा की गेंद पर गंभीर ने सिंगल लिया और गेंदबाज ने LBW की अपील की, तब अफरीदी ने जाकर गंभीर से ही पूछ लिया कि बल्ला लगा था क्या, तो गंभीर ने सिर हिलाकर अपना जवाब नहीं ने दिया। बता दें कि इस मुकाबले में एशिया लॉयंस ने इंडिया महाराजास को 9 रन से पटकनी देकर टूर्नामेंट की विजयी शुरुआत की। एशिया लॉयंस ने पहले बल्लेबाजी करके 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 165 रन बनाए। जवाब में इंडिया महाराजास की टीम 8 विकेट खोकर 156 रन बना सकी। गौतम गंभीर ने 39 गेंदों में 7 चौकों की मदद से 54 रन बनाए। अफरीदी ने 8 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 12 रन बनाए और उन्हें कोई विकेट नहीं मिला।